ए राजा जी, अब उसे घरे आई। हाई गर्मी के दिन बा, टप टप पसीना जब जब हमरा चोली से पार होता नो, लागता कि हमार रोआ खाड़ हो जाए। न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, हर जन्म में मेरी जनता का ऐसे ही प्यार मिले, हर जन्म में मेरी जनता का बस ऐसे ही मुझे प्यार मिले, बस यही खुदा से है। मोहब्बत नशा बन जाती है, कोई कहता है मोहब्बत नशा बन जाती है, कोई कहता है मोहब्बत सजा बन जाती है, लेकिन सच्चे दिल से मोहब्बत की जाए ना अगर, सच्चे दिल से मोहब्बत की जाए ना अगर, तो यही मोहब्बत जीने की असली वजह। सोझा रही रहुआ के कमाई का जरूरत नहीं खे, रहुआ हमरा आँखी के सामने पत्ता झारे नू तो हमरा लगे कि रहुआ रुपया पैसा झारता नहीं, हमरा के एगो रसरी बांध दे तो हमरा बुझाए कि हम सोना के सिक्के। मजबूरी रहे कि मतलब बीकॉम कई लड़की ऑर्केस्ट्रा पे नाचे लगे जी। एक्चुअली हम एजुकेशन करे खातिर हम ऑर्केस्ट्रा लाइन चूज कैनी, काहे से कि हमरा आगे से कह दनी घरे आ जाए, रहुआ बिना अब हमार मन लागत नहीं खे, रहुआ रुपया पैसा के फेर में लागल बनी, हमरा रुपया पैसा ना चाहिए, हमरा सोना चांदी भी ना चाहिए, रहुआ हमरा आँखी के सोझा रहे हमर कुल सिंगर पर कृषि सुखानी का बरखा जब कृषि सुखानी आ रुपये कमा के का हुई जब ढल जाए जवानी। जहर घोरने वाला कोई कलाकार है अगर स्टेज प्रोग्राम अगर देखा जाए तो एक कलाकार हमारे साथ अभी है जिनका नाम है रानी, ये अभियंता जी के साथ काम करती है। अभियंता जी वो शख्स है जो आए दिन किसी के दरवाजे पे जाके गाली गलौज करते हैं। न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, हर जन्म में मेरी जनता का ऐसे ही प्यार मिले, हर जन्म में मेरी जनता का बस ऐसे ही मुझे प्यार मिले, बस यही खुदा से है मेरी ख्वाहिश। कोई कहता है मोहब्बत नशा बन जाती है, कोई कहता है मोहब्बत नशा बन जाती है, कोई कहता है मोहब्बत सजा बन जाती है, लेकिन सच्चे दिल से मोहब्बत की जाए ना अगर, सच्चे दिल से मोहब्बत की जाए ना अगर, तो यही मोहब्बत जीने की असली वजह बन जाती है। अच्छा, वो आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था जैसे पत्ता वगैरह, क्या था वो? जी हम अपना राजा जी से कही ना कि रहुआ घरे हमरा आँखी के सोझा रही, रहुआ के कमाई का जरूरत नहीं खे, रहुआ हमरा आँखी के सामने पत्ता झारे नू तो हमरा लगे कि रहुआ रुपया पैसा झारता नहीं, हमरा के एगो रसरी बांध दे तो हमरा बुझाए कि हम सोना के सिकड़ी पहिर ले बानी। शायरी बहुत बेहतरीन कहती है और सबसे बड़ी बात की ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, साथ में बड़े बड़े जो स्टार हैं उनके साथ ये स्टेज प्रोग्राम करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़की जो है एजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बीकॉम कर रखा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बीकॉम तो किया है यानी बीए किया है, ग्रेजुएशन तो किया है वो भी कॉमर्स से। तो हम जानते हैं कि आखिर क्या मजबूरी थी कि एक कॉमर्स की लड़की जो कि ग्रेजुएट होने के बाद ऑर्केस्ट्रा लाइन में आती है और आने के बाद इतना सारा शायरी करती है, आखिर क्या साहब मजबूरी थी, इन सभी विषयों पर बात करते हैं। स्वागत है रानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बात आपकी न्यूज़ की तरफ से, जितने दर्शक और भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं उनको गोर छू के गोर लग रहे हैं, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अच्छा, क्या मजबूरी रहे कि मतलब बीकॉम कई लड़की ऑर्केस्ट्रा पे नाचे लगे? जी एक्चुअली हम एजुकेशन करे खातिर हम ऑर्केस्ट्रा लाइन चूज कैनी, काहे से कि हमरा आगे सपोर्ट ना रहे पढ़े खातिर कि आगे आपको कुछ करना है, घर से ही रहे कि अब उम्र हो गई बा, अब 12वीं पास हो गई बड़ू तो शादी ब्याह, तो हम कहनी कि ना हमरा आगे कुछ करे के बा, कुछ करे के बा, करे की चाह रहे बस, लेकिन ये ना सोच ले रहनी कि हम प्रोफेशन से डांसर हो जाए। रहल बात डांसर बने के तो जर्नी बहुत लंबा बा, धीरे धीरे यो के बात कइल जाए। अच्छा, जमाना खातिर रउआ के जानल जाला, लोग रउआ उ अंदाज सुनल चाहेला, उ एक दो लाइन सुनी जी। हमारा अंदाज बा शायरी से, अलग अलग एगो एक्टिंग से, बेवफाई एक्टिंग से जी जी। हाँ। पहले तो हम माननीय अभियंता जी के हम गोर छुए, हम कहें कि उनकरो योगदान बा हमरा इतना आगे बढ़ला में, तो हमारा डायलॉग बा कि हम उनका से बतियाई न केंगे कि ए राजा जी, ये सुने खातिर पब्लिक एकदम हल्ला मचा देलक कि एक बार बोल द माइक में कि ए राजा जी अब उसे घरे आई, हाई गर्मी के दिन बा, टप टप पसीना जब जब हमरा चोली से पार होता नो, लागता कि हमार रोआ खाड़ हो जाए, अब उसे कह दनी घरे आ जाए, रहुआ बिना अब हमार मन लागत नहीं खे, रहुआ रुपया पैसा के फेर में लागल बनी, हमरा रुपया पैसा ना चाहिए, हमरा सोना चांदी भी ना चाहिए, रहुआ हमरा आँखी के सोझा रहे नू हमार कुल सिंगर पूरा भाई राजा जी। का बरखा जब कृषि सुखानी,
का बरखा जब कृषि सुखानी आ रुपये कमा के का हुई जब ढल जाई जवानी। अरे भाई रुपया कमा के का हुई जब ढल जाई जवानी। लेकिन रुपया कमाई भी जरूरी बा, जवानी में ऐश कई जाए तो फिर बुढ़ारी में पछताई जाए। ये एगो एक्टिंग बा, किरदार बा कि जेगा एगो बिरह औरत, हम यही जाके भोजपुरी सीखले बनी तो बिरह औरत के अपना बिरहन से समझावे ले, अपना पति जी से बतावे ले कि 4-5 साल खातिर ऊपर देश चल गए बनी, वो एगो किरदार बा। तो एगो बात होला, सही बात बा कि एगो पत्नी के अगर पति जी परदेश रहनी उनका सब सुख मिल जाए, पैसा मिल जाए, गहना मिल जाए, लेकिन पति बिना सब अधूरा बा। अधूरा बा जी। एक दो लाइन और जी, एगो और अपना जनता खातिर कहल चाहे कि अब झगड़ा होई चाहे मार होई, झगड़ा होई चाहे मार होई, ए हमार जनता है, हमार दर्शक लोग, अब तक लगा था कि रहुए लोग से प्यार होई। अच्छा ये जो लाइन, अच्छा ये जो लाइन बा काफी बेहतरीन लाइन प्रस्तुत कर तरी, और इनका अंदाज, अच्छा रोवा कोलकाता का रहे वाला है शायद? ना ना, मुंबई। अच्छा मुंबई, मुंबई की लड़की जो कि मराठी बोले ले, वो मराठी छोड़ के बिहार में आके भोजपुरी बोले लगल फटाफट। जी स्टार्टिंग में हमरा से ये सब समझ ना आवे, लेकिन धीरे धीरे हम जब ये लाइन में आई नी 2021 के बात बा। अच्छा 21 से ही, 2 साल में सब कुछ जी। मैं आपको बहुत नाम पहचान और बहुत सारा चीज मिल रहा है, तो क्या इसी लाइन में कंटिन्यू करना है कि लाइन छोड़ देना है? ये जी इतना प्यार सबके नसीब में नहीं होता है, इतना सपोर्ट नहीं होता है, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी एजुकेशन को भी जारी रखूँ, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, और मैं अपने डांस लाइन को भी आगे और भी अलग अलग चीज़ में आऊँ, जैसे कि शूटिंग में अभी ऑफर भी आ रहे हैं कि मॉडलिंग के लिए, एल्बम्स के लिए, तो मैं उसमें भी आऊँगी और ये भी अपना एजुकेशन भी जारी रखूँगी। अच्छा एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा कड़वा सवाल लेकिन पूछेंगे जरूर, आप लोग जो करते हैं चाहे आप जिन कलाकारों के साथ काम करते हैं, थोड़ा सा अश्लील नहीं लगता आप लोगों को किसी के दरवाजे पे जाकर अश्लील बातें करना? जी अश्लीलता तो आजकल सबके बीच है, चाहे अश्लील आप बोलते भी हैं? जी अगर पब्लिक को लगता है कि हम अश्लील, जी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पब्लिक आती है एंटरटेनमेंट के लिए, अपना टेंशन भूलकर हम लोग को द्वार पे बुलाते हैं कि एक इंजॉय होने के लिए, तो हम लोग यही चाहते हैं कि पब्लिक एंटरटेन होती रहे, ये नहीं कि बोर हो जाए देखकर, यार ये रामायण कथा अगर रात भर होगा तो मजा नहीं। अच्छा इतना ही अगर ये रहता तो आज धोड़ी का गीत इतना आगे मिलियन मिलियन में नहीं पहुँचा होता, और इतना ही अश्लीलता से अगर ये होता तो राधे श्याम रसिया से लेकर, अच्छा भरत शर्मा अगर अभी एक रामायण का पाठ पढ़ के गा के डाल देंगे, उसका व्यू कितना आएगा? 5,000-6,000। अच्छा क्या इसका मतलब पवन सिंह एक गाना गाए थे वो लक्ष्मण जी वाला शक्ति बाण लगा, क्या वो नहीं चला मार्केट में? जी चला, वो पावर स्टार है वो कोई भी गाना गाएंगे उनका चलना है। अच्छा चाहे वो ट्रेंडिंग स्टार हो चाहे पावर स्टार। पूनम सिंगर है जो गाई थी, पूनम शर्मा जी। जी पूनम शर्मा जी, वो कितने साल पहले का गाना है? मतलब चला ना भाई। अच्छा ठीक है, मानते हैं आपकी भी, ये दिल वाला गाना गाया था, एक दोस्ती वाला चला, ये हाँ ठीक है आपकी मान ठीक है, आपकी बात ठीक है। कौन कौन गाया है? सोनू पांडे जी गाए हैं और एक ये विजय चौहान जी गाए हैं, उनका नाम नहीं है मार्केट में, नामियर मार्केट में अगर कुछ भी करेगा उसका तो नाम सोनू नया लड़का है ना भाई, जैसे कि नहीं, उनका पहले गाना हिट हुआ कि हमार जिला बागी बलिया बा, उनको सपोर्ट बलिया से मिल रहा है, उनका नाम उनसे बन रहा है। अच्छा ठीक है मानते हैं, चंदन चंचल जी के अंदर क्या टैलेंट है? क्या टैलेंट है? उनसे अच्छे सिंगर नहीं है छोटे छोटे, आप हर स्टूडियो में जाकर देखिए, उनसे अच्छे अच्छे सिंगर है। जो की साफ सुथरा गाना नहीं आता है? आता है, नहीं आता है? देखिए ऐसी एक बात बताइए, गायकी में सीखना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं, लय सुर, ये सब जरूरत है ना भाई। अगर इन लोग को कोई अलाप लगाने के लिए बोल दिया जाए जी, तो हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा। अब मेरी बात तो आप ही ने बोल दी है, अब मुझे इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं, वरना ये कंट्रोवर्सी बन जाएगी, क्योंकि मुझे उनका भी सामना करना है, उनके यहाँ से भी फोन आ रहा है कि एल्बम करना है। अच्छा यही होता अगर तो एक ढोड़ी का गाना एक दिन में मिलियन नहीं पहुँचता, इतना ही अगर अश्लीलता नहीं होती तो, और अश्लीलता नहीं होती तो भोजपुरी के पिक्चर में आजकल गाना है कि हम ढोड़ी मुनला रानी पियरी माटी से, हम भी भोजपुरी देखे हैं। बिल्कुल, जब ये सवाल मैंने मनीष कश्यप से पूछा था कि भैया जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ढोड़ी पे टिकी है, कोई खांटी से खोदता है, कोई मुदता है, कोई चाटता है, कोई कुछ करता है, कोई छीलता है, तो मनीष कश्यप ने बहुत मुस्कुरा के इस पर जवाब दिया था, और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। उसके बाद अक्षरा सिंह का कॉल आया, सारी बातें हुई, ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा कहना उचित नहीं है। फिलहाल आपका क्या विचार है कमेंट में अपना राय जरूर दे दीजिएगा,
और बाकी जानकारी के लिए इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट होगा आपका? जी, रानी राज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब चैनल भी है। क्या नाम है आईडी का? नाम रानी राज, फेसबुक पे डांसर रानी राज। जी हाँ, डांसर रानी राज, रानी राज डांसर जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग उस पर भी सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए अपना, जिस तरह आप लोग मुझे। अच्छा, वहाँ कमेंट आते हैं मैसेज से? जी, क्या मैसेज? मैंने जितने इंटरव्यू देखे हैं, दिया है मैंने, नंबर मांगता होगा सब। जी, नंबर मांगते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे पब्लिक मुझे इतना प्यार करती है कि आज तक मुझे गलत कमेंट का सामना नहीं करना पड़ा है। उसके लिए मैं आप लोग से निवेदन करूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया। तो जितना आप प्यार सपोर्ट मुझे करते हैं, इस वीडियो को भी उतना प्यार और सपोर्ट दीजिए, इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा कि मैं कैसी लगी, हमारे रिपोर्टर कैसे लगे, क्योंकि मीडिया और जनता ये दो लोग अगर एक हो जाए ना, तो हम जैसे लोग एक जमीन के टुकड़े हैं और आप लोग हमें आसमान बना देते हैं। तो इसीलिए शेयर भी कर दीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट आशीर्वाद देते रहिएगा। धन्यवाद।